सयानी की भाषा में अगली पंक्तियों पर हैं। भैरव बहार शुरुआत में ही बिल्कुल सही है, हमारी सुबह तब होती है जब संगीत शुरू हो, तो इसलिए भैरव भी है बहार भी है, सुबह का भैरव शाम का शाम की बहार, और हर समय रहती है बहार, तो जब वसंत बहार का मौसम हो उस समय हमेशा रहती है। तो ये लोग गा रहे हैं भैरव बहार, फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे, ये दोनों हैं मनीष और हिमांशु। नमस्कार। भैरव थाट से उत्पन्न राग भैरव और काफी थाट से उत्पन्न राग बहार का जटिल लेकिन अत्यंत मधुर मिश्रण है राग भैरव बहार, जिसमें वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर षड्ज है। वैसे तो सिर्फ तीव्र मध्यम को छोड़कर इस राग में सभी स्वर लगने चाहिए, लेकिन हमें भैरवी तो गानी नहीं, इसीलिए इस राग में हमारे पूज्य आचार्य श्री जियालाल बसंत जी ने जो रचना की उसमें विवादी स्वर के रूप में किए गए तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग इस राग को एक अनोखी पहचान देता है। राग भैरव बहार में संगीतबद्ध ये रचना कवि जयदेव के गीत गोविंद का एक संस्कृत पद है, जिसमें भगवान कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। तो अब प्रस्तुत है राग भैरव बहार। Yeah.